Badshaho, starring Ajay Devgan and Ileana D'Cruz in the lead roles, has hit theaters with a huge multi-star star cast as well. Imran Hashmi, Vidyut Jamwal, Sanjay Mishra, Isha Gupta, Denzel Smith, and here is a public Badshaho movie review. अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. अजय देवगन का काम बहुत अच्छा लगा और इमरान हाशमी का काम भी बहुत अच्छा है और इलियाना डिक्रूज बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने. रॉबरी करते हैं फिल्म में बस, और पॉलिटिशियन के बारे में बताया कैसे राजनीति करते हैं और हमारे देश में जो चलता है, जो मतलब जो पुलिस वाले रहते हैं, जो आर्मी वाले रहते हैं, उनकी रियलिटी दिखाई गई है. तो अजय देवगन का काम अच्छा लगा और फीमेल में देखा जाए तो इलियाना डिक्रूज बहुत अच्छा काम किया. गाने कोई खास नहीं है, गाने उतने अच्छे नहीं लगे. मैं अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं 2.5. अगर आपको टाइम पास करना है तो देख लीजिए, और आप एक्स्ट्रा टाइम जैसे पढ़ाओ तभी देखिएगा, और आप फालतू नहीं. बढ़िया, सारे एक्टर्स काम तो सबका बढ़िया. अजय देवगन ऑब्वियसली टैलेंटेड बंदा है. विद्युत यार ऑब्वियसली परफेक्ट लगता है यार, स्टंट ओवरऑल सबसे मस्त बंदा वही लगा. मेरी तरफ से तो एवरेज है, बहुत अच्छी लगी एक्टिंग. क्या डिफरेंट करेक्टर मिला अजय जी का, जो पहले जैसा होता बिल्कुल उससे हटके था उनका करेक्टर जो था, और बिल्कुल शांत स्वभाव के वो थे, चुलबुले टाइप के नहीं थे, तो अच्छा लगा बहुत तगड़ा. और इमरान जी का जो करेक्टर है वो उससे बिल्कुल हट गया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं दर्शक, जिसके लिए जाते हैं उनकी मूवी देखने, वो उनका ऐसा कुछ नहीं है करेक्टर. साफ सुथरी छवि थी उनकी, एक दोस्त छिछोरे दोस्त की करेक्टर वो की उन्होंने. कहानी सस्पेंस है, शुरू से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहानी सस्पेंस बनी हुई है, कुछ पता ही नहीं चल कब क्या होने वाला है, ऐसा लास्ट तक हमको नहीं पता चल पाया. नहीं नहीं बार बार भी देख सकते हम, तो एक बार और भी जाएंगे अभी कल परसों में दोस्तों के साथ फिर से जाएंगे. बहुत अच्छी लगी मुझे बादशाह मूवी, वॉज वेरी गुड, इट वॉज नाइस, द एक्टिंग वॉज गुड. अजय एंड अजय देवगन वाज रियली एक्ट गुड, या दे बोथ हैव डन वेरी वेल, द कॉम्बिनेशन वॉज नाइस. इलियाना वॉज वेरी गुड, शी आई एम फैन ऑफ हर. फिल्म में आज इट इज जैसे था वैसे ही लगा, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा फिल्म में. जैसे बॉलीवुड में लगा हुआ गया है जैसे फिल्म जैसा होता रहता है, वैसे ही आज आज 2017 में जैसा सिनेमा होना चाहिए ऐसा नहीं लगा है. आज इट हम देख रहे हैं कि वैसे ही मिलन लुथरिया का जैसे कच्चे धागे जैसे सिनेमा था वो भी बेस्ट था, लेकिन इतना भी ये जो अभी इतने सिनेमा होने के बाद जो एक्सपेक्टेशन था सिनेमा में वो नहीं मिला हमने को. अजय देवगन का सेम डायलॉग है, सेम स्टाइल है, और इमरान हाशमी का कुछ खास नहीं है. पूरा डायरेक्शंस और पूरा सिनेमा पूरा फालतू लगा, मेरा पैसा तो वेस्ट गया. अच्छी मूवी थी, अजय देवगन का अच्छा कैरेक्टर था इमरान हाशमी का, बट विद्युत जामवाल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल था मूवी में, विलेन का इमरान हाशमी का भी था बट ज़्यादा अजय देवगन का बेस्ट था. सॉन्ग भी माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है, अक्षय कुमार है. इलियाना का बेस्ट रोल है, इशारा का इतना ज़्यादा रोल नहीं है मूवी में, बट इलियाना का ज़्यादा रोल है, बट अच्छा नहीं गया, माइंड ब्लोइंग. गाने 2-3 अच्छे गाने थे, सॉन्ग अच्छे थे मूवी में, एंजॉय किया मूवी तो इट वॉज ऑसम. एंड आई टेल यू अ फैक्ट, उसके बेस से पता चल जाएगा कि मेरे को मूवी कैसी लगी और लोगों को कैसी लगी. ये मॉर्निंग का टाइम है, ऑब्वियसली लोग कौन सा टाइम प्रेफर करते, दोपहर का या लेट नाइट का, कपल हो तो ऑब्वियसली शाम को जाएगा, लेट नाइट जाएगा, कुछ लोग तो घर पे डीवीडी मंगा लेते हैं. लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे मूवी देखने के लिए लोग आए, एंड यू वोंट बिलीव यार, अंदर तो तुम नहीं थे, मैं था. मोर देन 60% ऑक्यूपेंसी थी, कैन यू बिलीव, ऐसी जगह पे 60% ऑक्यूपेंसी थी. और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड इट्स फनी, इंटरवल में मैंने किसी को बाहर जाते हुए देखा नहीं. आई मीन जो गया और वापस ही नहीं आया, पॉपकॉर्न लेने गए थे और आ गए, तो 100% कंप्लीशन रेशियो था. दिस इज बेसिकली, ऐसी तो काफ़ी स्टोरी हमने देखी है, एक लड़का एक लड़की है ना, केमिस्ट्री है स्टोरी है, ये भी है एक लड़के लड़की की, लेकिन इस स्टोरी में कुछ अलग है. नाउ आई डोंट वांट टू टेल क्या अलग है, किस तरह से अलग है, बिकॉज जो देख रहे हैं उन्होंने नहीं देखी है उनको शायद इतना मज़ा नहीं आएगा. बट आई मीन इफ यू आर वट एवर एज इज डजेंट मैटर, इफ यू गॉट गुड हार्ट then you should just watch this film and definitely you'll enjoy it. Well, we have yet to see whether Badshaho will pull through the week and earn enough at the box office. So do share your reviews with us too in the comment section below.